हेलो फ्रेंड गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग वेरी वेरी गुड मॉर्निंग गाइस कैसे हो आप लोग सब हमेशा हंसते रहना बहुत 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 ही ज़्यादा खुश रहना गाइस सो so, आज मैं लेके आई हूँ एक और ब्रा का रिव्यू जो मैंने मीशो से लिए मैंने पहले भी एक लिए थे उसका रिव्यू आप चेकआउट कर सकते हो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी अभी ये है नेक्स्ट वाला मुझे नॉन पैडेड ही लगते हैं पैडेड कभी कभार पहनती हूँ बट यहाँ पे नॉन पैडेड मुझे लेने थे पुषअप ब्रा मुझे चाहिए थे तो मैंने वही लिए है इस टाइम क्योंकि गए टाइम जो लिए थे मुझे इतने कुछ खास पसंद नहीं आए उसका फैब्रिक कॉटन लिखते हैं बट कॉटन आता नहीं ये होजरी कॉटन लिखा था होजरी फैब्रिक जो रहता है वो ये देखिए मैं अनबॉक्सिंग भी दिखा रही हूँ एक्चुअल पिक लास्ट में दिखाऊंगी अभी देखिए अनबॉक्सिंग मैंने जैसे पैकेज आया है बहुत ही अच्छा पैकेट है तीनों अलग अलग मतलब ये कॉम्बो था टू नाइन्टी में मुझे मिला और अलग अलग पैकेट में उन्होंने पैक करके दिया था मैं एक एक ओपन करके दिखा दी कलर एज इट इज सेम आया था कुछ भी फर्क नहीं है क्वालिटी बहुत ही अच्छा है गाइस बहुत ही अच्छा है मतलब 296 समझो 300 हंड्रेड अराउंड प्राइज है तो हंड्रेड रुपीज में एक आपको मिल जाएगा और अभी प्राइस थोड़ा कम हुआ है टू एटी रुपीज हुआ है और इसमें स्मार्ट्स कॉइन्स भी मिलते हैं फोर्ट फोर्टी थ्री रुपीज़ गया फोर्टी फोर रुपीज़ तो आपको टू फिफ्टी के अराउंड ही मिल रहा है मतलब हंड्रेड रुपीज के अंदर ही आपको एक ब्रा मिल रही है मुझे ये क्वालिटी बहुत 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 ही ज़्यादा पसंद आई अनबॉक्सिंग आपने देखा होगा कलर सेम 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 कुछ भी फ़र्क नहीं है गाइज़ और साइज भी बहुत ही अच्छा आया था और उसमें आपको ए बी सी ऐसे साइज भी मिलेंगे आप जाके डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कीजिए उन्होंने डिस्क्रिप्शन में बहुत ही बहुत ही खूबसूरत अच्छी तरह मतलब डिटेल में दिया है कि अंडर बस आपकी साइज कितनी ओवर हो चाहिए ओवर बस आपकी साइज कितनी होनी चाहिए तो पूरा डिटेल में है तो उसके बाद ही लीजिए क्योंकि ए बी सी भी देखना बहुत जरूरी है आपको वो ए बी सी मालूम नहीं रहेगा मतलब थर्टी टू आपका साइज है बट वो ए आता है बी आता है, या सी आता है ये आपको मालूम नहीं होगा तो डिस्क्रिप्शन में उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह दिया है और वो भी नहीं पता चल रहा है तो मैंने एक वीडियो भी डाला है ब्रा का ब्रा साइज़ आपको कैसे चेकआउट करनी है वो सब वो चेक कीजिए और उसके बाद ही लीजिए गाइज तो ही वो परफेक्ट साइज आती है क्योंकि नहीं तो हर टाइम कैसे होता है हम लोग को खुद को ही साइज़ नहीं पता होती है और हम लोग सेलर को मतलब गाली देते या बोलते हैं कि क्या यार कैसे भेजा है साइज़ बराबर नहीं है बट गई नहीं यहाँ का ये जो ब्रा साइज़ है वो बहुत ही अच्छा है सेम है आपको जो चाहिए होगा वही मिलेगा क्योंकि मैंने जो मंगाया वही साइज़ आया है प्रॉपर साइज़ है उसमें उन्होंने जो हुक्स दिए वो भी थ्री टाइप के दिए है मतलब आपका आ, समझो थर्टी सिक्स बी रहेगा तो आपको वो थर्टी थर्टी एट बी भी, भी मिलेगा और थर्टी सेवन बी भी, भी मिलेगा तो ऐसे वो साइज़ के हिसाब से क्योंकि बहुत टाइम पहनते छः महीना बाद या साल भर बाद तो वो थोड़ा ऐसे मतलब ओ, खींचता है और उसका साइज लूज हो जाता है तो इसके लिए उन्होंने वो भी एडजस्टमेंट दिए है हु की तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं इसके लिए मुझे ये क्वालिटी और जो उन्होंने दिया है प्राइस के हिसाब से क्वालिटी वो बहुत ही अच्छी लगी तो ब्रांडेड नहीं है नॉर्मल ब्रांड रहेगा बट बहुत ही अच्छा है बहुत ही तो गाइज मैं हाईली रिकमेंड करूँगी आप लेके देखिए और ये पुषअप ब्रा है तो जिनके हेवी बस रहेंगे तो उनके लिए बहुत ही बेस्ट है और क्वालिटी होजरी ही है हौजिरी कॉटन जो रहता है वही क्वालिटी है तो जरूर लेके देखिए गाइज मैंने तो लिया है मुझे बहुत ही अच्छा लगा कम्फर्टेबल लगा मेन कम्फर्टेबल होना बहुत जरूरी है और कपड़ा अच्छा होना बहुत जरूरी है ब्रा में क्योंकि रहते वो आप क्वालिटी के ही लेंगे क्योंकि क्वालिटी के ही लेने बहुत ही अच्छे रहते हैं हमारे स्किन के लिए गाइज़ तो ये जरूर लीजिए गाइज मुझे ये पसंद आया आपको मैं हाईली रिकमेंड करूँगी आई होप आपको ये रिव्यू पसंद आया होगा ऐसे इंटरेस्टिंग रिव्यूज देखने के लिए मेरे चैनल को सबसे सब्सक्राइब कीजिए इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए थैंक यू बाय